excited about this wheel because it's huge. And we are going. और यहाँ से जो Niagara Falls का जो view है ना वो clear view दिखता है. हेलो जी, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे. आज की जो मेरी डेस्टिनेशन है वो है Niagara Falls, Ontario, जो कि है सदर्न ओंटारियो में. एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक नेचुरल वंडर ऑफ द वर्ल्ड और वन ऑफ द बिगेस्ट वाटरफॉल भी है, जिसको हॉर्शू फॉल जो कहते हैं ना, वो भी वहाँ का बहुत ही फेमस है, जो कि कैनेडियन साइड पर है. थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करते हैं Niagara Falls की. तो Niagara Falls जो यहाँ के इंडिजिनस पीपल है कैनेडा के, उन लोगों ने डिस्कवर किया था बिफोर द यूरोपियंस. और फिर 1604 में सैमुअल डे चैम्पलेन नाम का जो एक एक्सप्लोरर था यूरोप से, उसने डिस्कवर किया. और फिर लोगों ने फाइंड आउट किया कि यार ये तो बहुत ही अच्छी जगह है ना, लाइक इसके आसपास टूरिस्ट अट्रैक्शन बन सकती है, बहुत ही बड़ा फॉल है. एंड उसके बाद फिर इट्स वर्ल्ड फेमस नाउ, बहुत ही लोगों की लाइक पसंद है Niagara Falls. दिस इज़ माई सेकेंड टाइम विजिटिंग देयर. पर 2 साल हो गए, मैं 2 साल पहले गया था, अभी 2 साल के बाद जा रहा हूँ. बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई होगी वहाँ पे. बट एनीवेज, टॉकिंग अबाउट द Niagara Falls इटसेल्फ, इट्स ह्यूज, इट्स पावरफुल. और उसकी जो आवाज़ है ना, लाइक जब वो फॉल नीचे गिरता है तो उसकी जो आवाज़ आती है वो काफ़ी दूर तक फैली है, मतलब काफ़ी दूर तक सुनाई देती है और काफ़ी बड़ा भी है. वहीं जा रहे हैं आज, लेट्स गो. ऑन द वे में देखते हैं, आज मौसम भी काफ़ी अच्छा है. आज इट्स अ रेनी सीज़न, सो आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौसम है. तो दिखाता हूँ आपको रास्ते में कि रास्ता कैसा है. 3 घंटे की ड्राइव है, आराम आराम से चलेंगे. थोड़ा सा होल्ड लेते हुए आपको मैं रास्ता भी दिखाऊँगा और फिर वहाँ पर मिलता हूँ आपको Niagara Falls में. छोटी सी ब्रेक ले ली टिम हॉर्टन्स पे, पैर भी अकड़ गया. बस अभी यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है, थोड़ी सी नाश्ता करेंगे, कॉफ़ी लेंगे एंड देन बैक ऑन द जर्नी सून. 1 घंटे में पहुँच जाएंगे. मौसम बहुत ही अच्छा है आज, थोड़ी बहुत बारिश गिर रही थी लेकिन अभी वो ख़त्म हो गई है और बाकी तो क्लियर मौसम ही है आज. वहाँ पे जाके तो वहाँ पे तो सन ही दिखा रहा है, तो टेंशन नहीं है, मज़ा आएगा. कुछ खाते पीते हैं और फिर चलते हैं. पेट गया है बर, अब कहीं पे नहीं रुकना, अभी सीधा Niagara जाके ही रुकेंगे क्योंकि आई थिंक 30 मिनट या 45 मिनट का ही रास्ता बचा है. सो वी गोना गो स्ट्रेट टू द Niagara Falls. वहाँ पे जाऊँगा, Airbnb सबसे पहले देखूँगा क्योंकि जो Airbnb के फ़ोटोज़ मैंने देखे हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं. सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड अबाउट दैट पार्ट और वो भी आपको भी दिखाता हूँ. सो लेट्स निकलते हैं फटाफट यहाँ से सीधा, आपको अभी मैं Niagara मिलूँगा. सो आई जस्ट रीच एट माई Airbnb. दिस इज़ द प्लेस वेर आई एम स्टेइंग फॉर टू नाइट. और ये Niagara से लाइक इट्स लाइक ओनली 15 मिनट अवे, तो इतना भी दूर नहीं है, बाहर की साइड है. लेकिन यहाँ के जो वाइब है ना, क्या वाइब है. जो यहाँ की होस्ट है Rachel, शी इज़ ऑलमोस्ट अराउंड लाइक 60 ईयर ओल्ड, सच अ लवली लेडी. उन्होंने जो ये घर बनाया है, लाइक जो इसकी जो वाइब है ना, एकदम पूरे घर जैसी वाइब है. लेमी शो यू द एंटायर हाउस. ओके, लेमी शो यू द एंटायर हाउस. सो दिस इज़ द एंट्रेंस, लाइक यहाँ से एंट्रेंस है, ठीक है. यहाँ पे अच्छे से बनाया हुआ है, नाइस एंड ब्यूटीफुल है ना. और यहाँ से स्टार्ट होता है पूरा घर. सो गो इनसाइड, यू हैव अ नाइस फिश टैंक ओवर हियर, सोफा, अनदर सोफा, 1 बेडरूम. इट्स बिग, लाइक काफ़ी बड़ा है ना. देन यू गो ओवर हियर, यू हैव अ टीवी, अनदर बेडरूम. ये बेडरूम मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, लाइक इट्स रियली नाइस वाइब. छोटा सा क्यूट सा है ना बैठने के लिए, यहाँ पे छोटा सा. नाउ देयर इज अनदर बेडरूम ओवर हियर, जो कि यहाँ पे है एक बेड और यहाँ पे है दूसरा बेड. एंड इट्स कंफर्टेबल, इट्स रियली कंफर्टेबल, आई लाइक इट, आई लाइक इट. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, किचन एरिया. किचन में यहाँ पे लाइक यूजुअल, लाइक व्हाटएवर यू नीड फॉर इन अ किचन,
स्टव है, माइक्रोवेव है, ऑल द कॉफीज एंड टीज एंड एवरीथिंग ओवर हियर, है ना. उन्होंने मेरे को बताया भी कैसे कॉफी बनानी है. यू हैव सम फ्रूट्स हियर, फ्रिज, सम मोर इक्विपमेंट्स, अप्लायंसेस व्हिच आई डोंट थिंक वी गोना बी यूजिंग इट. बट नाउ वी हैव वन मोर बेड ओवर हियर. दिस इज द बेड सिटिंग एरिया, अनदर फिश टैंक, एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट. आई लव दिस. और ये चलता है, लाइक अभी मैंने इसको चलाया था. इट्स अमेजिंग. ये बाथरूम, नाइस एंड ब्यूटीफुल. दैट्स मी. थोड़ा सा पानी है, अभी अभी यूज किया था, बट दैट्स फाइन. एनीवेज, सो दिस इज माय हाउस फॉर टुनाइट. आई नो देयर आर लॉट ऑफ बेडरूम्स एंड एवरीथिंग, बट दैट्स फाइन. है ना, अच्छी डील में मिल रहा था. सो आई लव द वाइब. आई एम नॉट गेटिंग द वाइब that I am living in some rented place. Like, it's actually, I'm feeling like, yeah, like I'm at my home. And thank you so much for being such a lovely host. Thank you so much. Oh, let me talk about how to reach Niagara Falls. If you are coming from Toronto, you can go on the TripAdvisor and you will find a day tours starting from like $150 to like $700, $800 private tours, which they will pick you up from the Toronto and they will drop you at the Niagara Falls. It has included boats and everything. But if you want to plan your own trip, which I did for my trip, ki aap sirf boat ride le sakte ho. It's like, I think, $32 per person, aur wo 20 minutes ki ride hoti hai, jo ki aapko jo Horseshoe Fall hai, jo ki Niagara ka apni Canadian side pe hai, jo ki sabse main fall hai, uski jo tour karata hai ekdam nazdeek mein jaake, then you can feel that mist and everything. So you can book that tour, or you can get the package where they will pick you up from the Toronto, they will take you to the Niagara Falls, and they will drop you back at Toronto, Mississauga, or wherever like you have the pickup points. But mere liye sabse zyada acha yahi tha ki main yahan pe aa jaun, Airbnb book karaun, and then I'll get the separate tour of the boat. So this is what we're going to do tomorrow. पहुंच गए हैं पराठे वाली गली. सो दिस इज लाइक 45 से 50 मिनट्स का वेट टाइम है बिकॉज इट्स सुपर बिजी. एंड आई होप कि लास्ट टाइम की तरह इस बार का भी उनका जो खाना है, उनके जो पराठे हैं, वो अच्छे हो. वैसे लास्ट टाइम का जो रिव्यू था वो काफ़ी अच्छा था. वी लाइक इट वॉज रियली गुड. सो आई होप कि इस बार का भी अच्छा ही होगा. दैट्स द प्लेस ओवर देयर. गाड़ी हमारी पीछे पार्क हुई है. सो Yeah, let's see how it goes. उसके बाद चलते हैं downtown Niagara Falls. थोड़ी सी night life देखेंगे. भाई साहब पसीने छूट गए, but खाना बहुत ही अच्छा था. Worth it. If you guys are coming to Niagara Falls, must visit the पराठे वाली गली. They have varieties of parathas there. और price भी ठीक ठाक है. हम लोग like 5 लोग थे और हमारा tip मिला के like $90 का bill हुआ था. हुआ है, I mean अभी अभी. So it's good. मस्ट विजिट. अभी चलते हैं लेक के पास, आई मीन फॉल्स के पास, और वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ से भी ज़्यादा आज मुझे अच्छा लग रहा है. क्योंकि तब जब मैं आया था ना, तो थोड़ा बहुत लाइक पेंडेमिक का सीन था, तो बहुत ज़्यादा लोग थे नहीं यहाँ पे. लेकिन अभी पेंडेमिक नहीं है, सब कुछ खुल गया है. अब इतने लोग हैं. मज़ा आ गया. ओह भाई साहब, उसकी जो गर्मी है ना, वो यहाँ तक फील हो रही थी. मज़ा, इतनी लंबी लाइन है सिर्फ स्काई व्हील पे जाने के लिए. एंड व्हाट वी डिड इज वी गॉट अ पास. सो बेसिकली ये $35 का पास है, और उसके अंदर जो भी लिखा है, नायग्रा फॉल, स्काई व्हील, ज़ॉम्बी अटैक, मूवी लैंड, मैक्स म्यूजियम, वो सब कुछ इंक्लूडेड है. और इसकी वैलिडिटी है एक साल तक. एक बार आप ये सब कुछ कर सकते हो. और सो आई एम प्रीटी श्योर कि ये सब कुछ हम आज या फिर कल दोनों में दिन में मिला के कर ही लेने वाले हैं. एंड आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस व्हील बिकॉज इट्स ह्यूज. एंड वी आर गोइंग. और यहाँ से जो नायग्रा फॉल का जो व्यू है ना, वो क्लियर व्यू दिखता है पूरा. सो इट्स दिस इज गोना बी फन. और ये स्लो चलता है, इतना ज़्यादा फास्ट भी नहीं है. तो इनफ टाइम मिलता है वीडियो बनाने में, फोटो बनाने में, कुछ बनाने में. दिस इज गोना बी फन. दिस गोना बी लाइक बेस्ट नाइट सो फार नायग्रा, बिकॉज लोग हैं यहाँ पे, लेकिन इतने ज़्यादा भी नहीं है कि लाइक एकदम भीड़ हो गई है. ठीक है, चल जाए, इतना है यार, टूरिस्ट प्लेस है, तो आप इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं. बस हमसे आगे एक और उसके बाद मेरी बारी फाइनली.
फायर वर्क देखने को नहीं मिले कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट नियाग्रा फॉल का व्यू देखने को मिलेगा जो कि रात को बहुत ही अच्छा होता है, एंड जो वहाँ पे लाइटिंग होती है अमेजिंग सुपर। हाँ जी बैरी नहीं प्रॉपर बैरी में नॉर्थ में। हाँ आ गया फाइनली नंबर। ओके भाई नॉट श्योर कितना दिख रहा है इसके अंदर, बट ये और ये चलो अभी का तो ठीक है। कल लास्ट टाइम आया था तो मैंने एक्सपीरियंस किया था मॉर्निंग में गोंडोला का, और अभी मैंने एक्सपीरियंस किया है नाइट का। नाइट का ठीक है, आई मीन आपको जो नाइट लाइफ है जो लाइट्स वगैरह है वो देखने को मिलती है, बट दिन में गोंडोला से जो नियाग्रा फॉल्स का व्यू आता है ना वो अच्छे से रात को आ नहीं पाता, बट दैट्स फाइन, कुछ पाने के लिए कुछ तो होना ही पड़ेगा राइट। तो हमने नाइट लाइफ देख ली कलर्स और लाइट्स के साथ, और फॉल्स कल सुबह देख लेंगे, वैसे भी बोट में तो जा ही रहे हैं तो कल सुबह वो बोट में वो देख लेंगे। अभी बस जाएंगे पास में नियाग्रा फॉल के पास से, नज़दीक से देखेंगे लाइट्स में कैसा दिखता है, और उसके बाद दिन का करेंगे एंड और कल वापस शुरुआत होगी। पर इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। कल वापस से मिलेंगे, अपने पास एक और दिन है पूरा एंजॉय करने के लिए, मज़े करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अलग अनदर वीडियो में। बाय बाय। मतलब लूट मचा के रखी हुई है, $30 की पार्किंग है यहाँ पे, बट मज़े बहुत है।